हे एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करेंगे इंसोमनिया यानी कि अनिद्रा के बारे में। ज़्यादा सोचना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अपनी परेशानी के कारण अपने विचारों में गहरे उतर जाना हमें परेशान करके रख देता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो आपके रातों की नींद को ले जाती है, हमारा सुख चैन भी चला जाता है। कुछ लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, हमेशा डर में जीते हैं। कभी बिजनेस के नुकसान का डर, कभी एग्जाम का डर, कभी कुछ बुरा होने का डर, कभी किसी के छोड़ जाने का डर। हमेशा से लोगों के मन में हमेशा कोई डर रहता है। जो इंसान हमेशा चिंता और तनाव में रहता है, वो ना खुद चैन से रह पाता है, ना ही वो अपने साथ वाले लोगों को चैन से रहने देता है। नींद ना आने से हमारा मन कमज़ोर हो जाता है और आपका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है, स्टैमिना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग रात को सोते ही नहीं हैं और कुछ लोग आधी रात को ही उठकर इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसे बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, पर चिंता के कारण उनका दिमाग चलता ही रहता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। नींद ना आने की वजह से उनका दिमाग भी बिगड़ जाता है। नींद ना आने की वजह से माइंड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा इंसान हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। आजकल लोग इसे नॉर्मल मानते हैं, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। नेगेटिव बातें आपको कमज़ोर करती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आप में एक एनर्जी, एक उत्साह भर देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन लोगों का साथ छोड़ दें जिनसे आपको टेंशन होती है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के बीच रहें, जितना हो सके अपने मन को नेगेटिव विचारों से दूर रखें। सही समय पर सही मात्रा सही भोजन लें। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि आपके भोजन का असर आपके मन पर पड़ता है। जो आपके मन को जचता है वो मत खाओ, जो आपके मन को पचता है वो खाओ। कुछ लोग दिन में 3 या 4 गोली खाते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं एक इसलिए जो हमने खाया वो पच जाए, एक गोली इसलिए, एक गोली टेंशन की, एक गोली नींद की, एक गोली शुगर की और एक बीपी की। इंसोमिया से आजकल हर कोई सफर कर रहा है। कुछ लोग सो रहे होते हैं पर आंखें खुली रहती हैं। कुछ लोग 10 बजे सोते हैं, नींद तो 12 या 1 बजे ही आती है। 2 या 3 बजे फिर से वह ऑनलाइन हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो लोग नींद की गोली लेकर सोते हैं। नींद ना आने से पूरा दिन सर दर्द, टेंशन, इरिटेट, फटीग जैसी फीलिंग होती रहती है। एक हेल्दी पर्सन को तो दिन में 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। आइए जानते हैं कुछ होम रेमेडीज आपको अच्छी नींद आए। रात की नींद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्दी डाइट और एक्सरसाइजेस। रिसर्चेस यह दिखाती हैं कि अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं होती है तो यह दिमाग के फंक्शन पर बहुत बुरा असर डालती है। अच्छी नींद के लिए दिन में लाइट में ज़्यादा रहें और बंद कमरे में कम रहें। मालिश से होगी नींद न आने की प्रॉब्लम दूर। रात को सोते समय अगर सरसों के तेल से पैरों की मालिश हो तो यह बहुत अच्छी होती है, इसे बहुत अच्छी नींद आती है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका थकान को दूर करने में बेहद फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड होता है। इंसोमिया की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। मेथी का रस, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए मेथी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सबसे आसान चीज़, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपकी सारी टेंशन ख़त्म होगी और अच्छी नींद आएगी। बिस्तर पर जाने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रूर लगाएं। इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा और गहरी नींद भी ले सकेंगे। टाइम रोशनी में रहने से आपको ये पता चलेगा कि सोने का टाइम कब है। ब्लू लाइट जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी से निकलती हैं, शाम के वक्त इस सब का कम यूज़ करें। शाम के बाद कॉफ़ी और चाय भी ना पिएं। आप दूध भी पी सकते हैं,
केसर का दूध पीने से इंसोमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है। दूध में जायफल मिलाकर पीने से बहुत अच्छी नींद आती है। शाम के बाद कोई भी हैवी फूड ना खाएं जिससे डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो इंसान रात में जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, उसकी 70% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। थिंकिंग इंसोमिया का सबसे बड़ा कारण है, सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। पर स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण है मेंटल डिप्रेशन, दबी हुई इच्छाएं, मन में तीव्र कड़वाहट। इन सब चीज़ों को ओवरकम करें और अपने दिमाग को शांत रखें। अपनी चिंताओं से दूर रहने के लिए, टेंशन से मुक्त रहने के लिए आपको मेडिटेशन 5 से 10 मिनट तो करना ही चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।